अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सी क्वांटिटी डाइमेंशनल लेस होगी भाई? देखो रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटी, ये कुल मिला के रेजिस्टेंस ही होते हैं। तो आर, एक्सएल, एक्ससी, इन सब का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है वो ओम ही होता है, ओम। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस ही है, ये सारे क्या हैं, रेजिस्टेंस है। तो ऑल हैव सेम डाइमेंशनल, ऑल हैव सेम डाइमेंशनल फार्मूला, तो इन सभी का डाइमेंशनल फार्मूला भी सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइमेंशनली आर बराबर है एक्सएल बराबर है एक्स सी के, ये सारे डाइमेंशनली इक्वल है। तो अब इसमें से कौन सा डाइमेंशनल लेस होगा? तो देखो जब ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बाई डाइमेंशन ही बन जाएगा एल। और ये यहाँ पर देखो जो सेकेंड ऑप्शन है वो कहते हैं आर ओवर एक्सएल और एक्स सी अंडर रूट। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर है तो या तो आर के बाहर एक्सएल ले लो ये, और इसका भी यूनिट ओम है, इसका भी यूनिट ओम है, तो ये यूनिट लेस आ जाएगा, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, तो यूनिट लेस और डाइमेंशनल लेस है। तो दिस इज बेसिकली नथिंग, इट इज़ अ यूनिट लेस एंड डाइमेंशनल लेस, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बाकी हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है।